Welcome to Time News Studio. You are watching 1 p.m. Bulletin. हर सूरत में घर भेड़ो कर वो नवाज लीग जिनाद सदर मरियम नवाज है तो शहबाज शरीफ नवाज लीग से वफादार न हो हा तो इमरान खान के वजर आजम बनाने की जरूरत न हुई। शहबाज शरीफ ही वजर आजम थे हा। नवाज लीग में अक्सरियत की राय है तो जिमनी चूंड में हिस्सों वन घुर्जे। हतमी फैसलो पीडीएम की क्यादत ही कंदी। सखर रवानो थियण खां अग लाहौर में मीडिया से गालाईंदे मरियम नवाज चयो त हैरत आहे जो शहबाज शरीफ से खानदान के मिलन नथो दिनो वने बाकी बिन शख्सियतन की मुलाकात लाए राह हमवार कई वने थी। शहबाज शरीफ के खबर ना हूंदी तो जेल में मूसा केर मिलन अची रो है। ओचतो खबर पवण से मानू मिलन का इनकार भी न कर सकंदो आहे। नवाज लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज अज सखर पहुंची रही है। मरियम नवाज पार्टी अगवानन से मुलाकात करण बाद रोहिणी में वर्कर्स कन्वेंशन के खिताब कंदी। मरियम नवाज तरफा सुभाणे 27 दिसंबर से शहीद बेनजीर भुट्टो की मजार से हाजिरी जा इम्कान। मरियम नवाज गढ़ी खुदाबख्श में पीपी के जलसे के खिताब कंदी। शहीद बेनजीर भुट्टो की सुभाणे 27 दिसंबर से 13वीं वर्सी मल्हाई पे वने। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी तरफा सुभाणे जलसे लाए तैयारी मुकम्मल। वरे वजीर मुराद अली शाह जलसे के इंतजाम जो जायजो वठण लाए गढ़ी खुदाबख्श पहुतल। वरे वजीर पार्टी के अगवाणन से गड गढ़ी खुदाबख्श में शहीदन की मजार से हाजिरी भरी। पीपी के जलसे के मौके से लाड़काणो में इस्तकबाली कैंप्स कायम। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत हेठ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इजलास अज थी रो है। इजलास में गढ़ी खुदाबख्श वाले जलसे सूदो बेन अहम मामलों से सलाह मशवरा क्या वा। जो सुभा जलसो चढ़ वे पो वो जलसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिब के ट्रिब्यूट पेश कर मुनद है। जबी तरमा इस्लाम के लीडर पीडीए के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो पैरियां का किथे बेहद इंगेजमेंट आए लिहाजा यो अफवाह चवन इख्लाफात या बया मामला जो गलत है पा सब जाती सबूतन के समय शिरकत न कर रो पीडीएम जो जलसो लारकाने में पीडीएम की क्यादत तय करे थी तो सभी जमातों का कारकुन शिरकत कदा। जलसो पीडीएम जो ना है जलसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनमें लीडरशिप के शिरकत की दावत दी वही है कारकुन के शिरकत की दावत न दी वही है। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान गढ़ी खुदाबख्श में सुभाणे पीपी के जलसे में शिरकत का माजरत करे छड़ी। मौलाना गफूर हैदरी की अगवाणी में जेयूआई जो वफद जलसे में शिरकत कंदो। जेयूआई सिंध के सदर राशिद महमूद सुमरो टाइम न्यूज से गालाईंदे चयो आहे तो मौलाना फजलुर रहमान पार्टी सरगर्मियों जो अगवाट शेड्यूल तय होजन सबब जलसे में शिरकत न कंदो। पीपल्स पार्टी रुगो क्यादत की सतह से जलसे में शिरकत की दावत दिनी हुई। गढ़ी खुदाबख्श में पीडीएम जो न पर पीपल्स पार्टी जो जलसो है बेन पार्टी के कारकुनन की शिरकत की दावत ना है मिली। असा सभी पार्टी क्यादत आदो इस्तीफाओं जमा कराए छड़ी हाँ उन्हें इस्तेमाल करण जो फैसलो पार्टी क्यादत के करण है। वरे वजीर मुराद अली शाह तो बैकडोर जरिए आयल पीटीआई जा वफाकी वजीर काउंसलर थियण के भी अहल ना खेन आवाम जो न पर पेंजो फिक्र है। असा क्रिकेट खेड़ न पर आवाम की खिदमत करण आया हूँ। गढ़ी खुदाबख्श में मीडिया से गालाईंदे वरे वजीर चयो तो खुलल आसमान हेठ थींदड़ जलसे में कोरोना जो मसलो न थींदो कोरोना बंद जायन में वधे थो। जलसे में शिरकत कंदड़ कारकुनन के मास्क मुहैया कया वेंदा। सेहत खाते शहीद बेनजीर भुट्टो की वर्सी के मौके से सूबे की समूरन अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर छी। डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ जो मोकलू रद्द। अस्पतालों में डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ दवा इलाज जो सहूलतू यकीनी बनाने की हिदायत। सेहत खाते जो चवण है तो सूबे में समूरन अस्पतालों में 26 से 28 दिसंबर तीन इमरजेंसी लागू होंगी। पीआईए के हवाले से यूरोपीय यूनियन जहा खदशा खत्म कर छा। पीआईए में 8 नवा जहाज शामिल किया वा। हवाबाजी वाले वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान है तो अपोजिशन नैब के कानून में तरमीम चाहे थी। पीडीएम के रणन और दाहुन से एहतसाब बंद नो। पीपल्स पार्टी जहा अक्सर नवाज लीग जो एक धड़ो इस्तीफा न ीनो।
अगूणे वफाकी वजीर लियाकत जतोई नैब रेफरेंसिस में बरी थियण लाइ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राबतो करे वरतो। एहतसाब अदालत तरफा बरियत वाली दरख्वास्त रद्द थियण खिलाफ नजरसानी अपील दाखिल। दरख्वास्त में लियाकत जतोई मौकिफ इख्तियार किया है त मूं ते करप्शन इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल जहा इल्ज़ाम साबित न थिया आहिन। लियाकत जतोई तरफा नैब रेफरेंस में संदस नालो खारिज करण की इस्तदा। कराची में प्रोसिक्यूटर्स के तोहीन अदालत जा नोटिस जारी थियण खिलाफ वकीलन तरफा अदालती कार्रवाई जो बायकॉट। कराची बार के सदे वकील बिरादरी जो एहतजाज। सिंध प्रोसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन तरफा समूरे सूबे में अदालती कार्रवाई जो बायकॉट। सिंध हाईकोर्ट दहशतगर्दी टोड़ और ज़िलाई अदालत में प्रोसिक्यूटर्स पेश न थियण सबब मुख्तलिफ केसिस से बुधणियों मुतासर। लाड़कानो शहर की भैंस कॉलोनी में नींगर पुरेसरार नमूने गुम। सत्तन साल मुबीन सुमरो क्लिनिक भरसा बीठो हो तो ओचतो गुम थी वो केतर ही जायन ते गोला बावजूद संदस पतो न पो। नींगर के वारसन पुलिस के गोला में मदद की अपील करने है तो मुबीन जो जहनी तवाजुन ठीक ना है। दादू शहर के धमाल चौक तां गुम थियल नींगरी युसरा खुश्क जो पंज ढी गुजरण बावजूद पतो न पी सको। केतर ही हंधन से गोल्हा करण बावजूद नींगरी जो पतो न पवण ते घर में रोज राड़ो मतल। नींगरी युसरा के वारसन जो चवण है तो ए सेक्शन थाने ते गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल थियण बावजूद पुलिस नींगरी की गोला में का भी मदद ना कई। कराची की सईद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भरसा नाले में गेंडो किरी पो। पुलिस और रेस्क्यू इदारन की टीम रेसे से गेंडे के सही सलामत बाहर कढ़ी वरतो। गेंडे की किरी पवण के इतला बुधी वे अंग में मानू नाले भरसा गड थी वया। हथायल गेंडो वाइल्ड लाइफ अख्तियार हवाले। मंगावी टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान खिलाफ टेस्ट मैच पहरी ढीं से टिन विकेट्स के नुकसान से 222 रन ठाए वरतूँ। पहरी ढीं की रांद खत्म थियण ताई विलियमसन 94 हैरिस निकल्स 42 रनसन से क्रीज से मौजूद। पाकिस्तान तरफा फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड जो 3 विकेट्स वरतूँ। पाकिस्तानी फील्डर न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन जा 2 कैचिस ड्रॉप किया।